हॉस्पिटल से हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फॉलो करते हैं, वो ल्यूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और ल्यूनर कैलेंडर प्राइमरी मून के मूवमेंट में और सीजन्स में बहुत बेस्ड होता है। तो जब भी कोई दो ऋतु का सम्मिलन हो या फिर संधि हो, उस वक्त में आप देखेंगे या तो गुप्त नवरात्रि होती हैं या फिर जागृत नवरात्रियां होती हैं, जो गृहस्थ जीवन वाली नवरात्रियां होती हैं। जैसे अभी शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु खत्म होकर शरद ऋतु की तरफ जैसे ही ट्रांजिट हो रहे हैं, तो ये 8, 9, 10 दिन जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं बॉडी को एडजस्ट करने के लिए एक नई ऋतु के लिए। तो जी उस वक्त में व्रत उपवास रखे जाते हैं। वो इसलिए भी रखे जाते हैं क्योंकि इस समय वात पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है, तो रोग की प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, आप हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को, आप बहुत ज्यादा हैवी ग्रीजी फूड नहीं खाएं, उस तरह के खान पान पे आप अपना नियंत्रण रखें, आप ईश्वर के सानिध्य में जाने की कोशिश करें, क्योंकि सत चित्त आनंद, यानी कि आपको जब आप व्रत रखते हैं, आप जब ईश्वर के करीब आते हैं, ईश्वर की ऊर्जा है, आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हर बीज मंत्र में एक बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन होती है जो आपकी ऑरा को क्लीन करती है। जैसे कि ओम का साउंड होता है, वो वैसे ही यूनिवर्स का साउंड माना जाता है, और आप जब मूलाधार चक्र से ऊपर तक का सहस्त्रार चक्र तक ओम के साउंड को लेके जाते हैं, तो पूरी आपके सारे चक्रों की क्लेंजिंग होती है। अब इसको एक शारीरिक, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स, अगर मैं कंपेयर करूं तो हर चक्र, चाहे वो मूलाधार हो, सहस्त्रार हो या फिर विशुद्धि हो, वो एक सर्टेन बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो मानसिक रूप में हो, ब्लिस बॉडी हो, मेंटल एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअल बॉडी हो, आपकी मटेरियलिस्टिक बॉडी हो, तो आपकी जितनी भी 5 कोशिकाएं जो हैं बॉडी की लेयर्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या एक पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि ईश्वर के सानिध्य में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप ध्यान देते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली बॉडी में माइंड बॉडी एंड सोल की बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कभी वॉक नहीं करते, एकदम से आप वॉक करना शुरू करेंगे तो आपकी टांगों में दर्द होना शुरू होता है, और दो दो डॉक्टर्स यहाँ बैठे, दे नो कि पहले बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है, धीरे धीरे करके स्टेप्स आप लें और फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं ताकि आप एडजस्ट कर पाए उस पर्टिकुलर लेवल से। प्लस आप देखें तो वो, चाहे इंटरमिटेंट जी फास्टिंग हुए, वो सारी चीजें ये बताती हैं साइंटिफिकली भी कि हाँ, व्रत करते हैं या उपवास करते हैं तो उससे बॉडी क्लेंजिंग होती है, टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, एक बॉडी को रेस्ट मिलता है, एक बॉडी रिजुवनेशन के फॉर्म में चले जाती है। जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम व्रत के जी टाइम पे 40%, 14% ज्यादा हाई हो जाता है, तो आप ये सोचे कि अगर मोटावा मोटापा भी है तो वो भी आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा भी ग्रह नक्षत्रों का असर भी रहता है। जैसे दिसंबर के महीने में हम काला महीना बोलते हैं, मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक का, उस टाइम पे हम कोई भी इस तरह के फेस्टिवल्स नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें गुरु सूर्य के सानिध्य में आ जाते हैं। सूर्य जो होते हैं गुरु की राशि में बेसिकली ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तो गुरु का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी होता है किसी भी फेस्टिवल को करने के लिए। तो इसलिए गुरु सूर्य जब भी धनु राशि में होंगे या मीन राशि में होंगे, तो उस वक्त में कोई भी इस तरह की फेस्टिविटी नहीं की जाती, ताकि ग्रह नक्षत्रों का असर भी किसी के भी व्यक्ति के शरीर में, आत्मा में, तन मन में, सब तरीके से उसको परिपूर्ण करे और उसको उल्लास में लेके जाए। जब ये फेस्टिवल्स होते हैं, एक तो ये ट्रांजिशन का फेज होता है, इस ट्रांजिशन के फेज में कुछ लोग की, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, दैट इज लाइक वेरी नेचुरल, बिकॉज वात पित्त और कफ का डिसबैलेंस होना शुरू होता है। लेकिन जब व्रत उल्लास होता है, सानिध्य होता है अपनों का, प्रेम बढ़ता है, आप डांडिया कर रहे हैं या आप एक साथ मिलके जगराते कर रहे हैं या देवी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, अपने घर पे शाम को संध्या आरती कर रहे हैं या मॉर्निंग आरती कर रहे हैं, तो एक वो समझुटता जो होती है वो मिलकर के एक पॉजिटिव एनर्जी करती है। जैसे कि बोलते हैं मेडिटेट करो, आप एकांत में, आप अकेले मेडिटेट करो और ग्रुप में मेडिटेट करो, तो ग्रुप में मेडिटेशन करने की एनर्जीज होती है वो बहुत पावरफुल होती है, और उसमें आप कुछ भी चीज उस समय सोचते हैं बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जी एक फेस्टिवल का एक समय जो है, जैसे बोला था ठंड में डिप्रेशन होगा होगा, तो उस डिप्रेशन वगैरह को भी हटाने के लिए बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज आने शुरू हो जाते हैं कि ताकि आपकी एडजस्टमेंट उन सब जी चीजों के नंदिता साथ जी जी आराम से, आसानी से हो जाए। नंदिता जी, आपने बताया कि अगर कोई एकांत में ध्यान कर रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होता है, जो सामूहिक ध्यान कर रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होता है, लेकिन अगर हम ज्योतिषीय नजरिए से इस बात को समझें तो क्या इसमें ग्रह नक्षत्रों की भी भूमिका होती है या सब लोगों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है? नहीं, बिल्कुल, ग्रह नक्षत्रों की तो भूमिका होती है। आप जिन ग्रह नक्षत्रों के कॉन्स्टेलेशन के फॉर्मेट में जब आप पैदा होते हैं, उसका आपके जीवन में पूरा प्रभाव होता है। जी अब जब हम मंत्र पढ़ते हैं या फिर मेडिटेट ध्यान करते हैं,
तो होता क्या है कि हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं उन ग्रह नक्षत्रों के साथ, क्योंकि हर ग्रह और नक्षत्र आपके हर चक्र के साथ संबंध रखता है, किसी न किसी चक्र के साथ संबंध रखता है। तो जब हम उस तरह से ध्यान करना शुरू करते हैं तो वो चक्र बैलेंस होगा, तो वो ग्रह नक्षत्र की भी नेगेटिविटी कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा उसकी ज्यादा संचारित होने शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे साधु संन्यासियों की कुंडलियां नहीं देखी जाती थी, जी क्यों? क्योंकि वो हमेशा ध्यान अवस्था में रहते थे, वो इतनी ज्यादा हायर एनर्जी लेवल में अपने को एस्केलेट कर देते थे कि ऑटोमेटिकली वो सारे जो भी ग्रह नक्षत्र उनके बैलेंस हो जाते थे। इसीलिए सबसे बड़ा निवारण, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, तो ये हमारे जो बीच बीच में फेस्टिवल्स रहे हैं, क्योंकि हमारे जी जितने भी त्योहार होते हैं उन सब में दान की भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहाँ पे हर चीज के लिए बोला जाता है दान करें, है ना? देवी के अगर नवरात्रि हैं तो माता शक्ति के लिए कन्याओं को आप कुछ ना कुछ देते हैं, ऑफर करते हैं, और गरीबों को आप बहुत दान करते हैं, उनको भोजन आदि खिलाते हैं। तो ये और भी होता है, जैसे ठंड में लोगों की उस समय से लेकर अभी तक अभी देखा जाए तो कार्य करने की क्षमता लोगों की बहुत कम हो जाती है, दिन कमजोर होते हैं यानी कि कम होते हैं, रात्रि ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप दान पुण्य करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, उनको अन्न मिल जाता है खाने के लिए, तो अन्न जी दान का बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमेशा। अब फिर आप गर्मियों के सीजन में जाएं तो उस समय भी बोला जाता है कि हल्के दान करें या फल फूल का दान करें। तो दान की प्रक्रिया हमारे उसमें बहुत ज्यादा होती है, और जितना आप दान करते हैं उतना ही ज्यादा ईश्वर आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लेके आते हैं।